थाना बड्डूपुर पुलिस ने चोरी की तीन घटनाओं का खुलासा कर शातिर चोर राजू को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी के सोने चांदी के जेवरात, मेंता ऑयल, 2600 रुपए नगद और एक तमंचा बरामद हुआ। एक राजू नाम का है, रोशनपुर का रहने वाला, इसी थाना क्षेत्र का। तीन घटनाओं को कारित करने का उसने कबूलनामा किया है। काफ़ी माल बरामद हुए हैं दोनों घटनाओं में, और इसके द्वारा कुछ और घटनाएं बताई गई हैं जो सीतापुर जनपद के अन्य थाना क्षेत्रों के हैं, उनके बारे में तस्दीक किया जा रहा है। सहारनपुर में आज छड़ी पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह पूजन ऐतिहासिक मेला घुंघाल के शुभारंभ के रूप में किया गया, जिसमें 26 छड़ियों का पूजन किया गया। महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने इसे सांस्कृतिक विरासत बताया। फरुखाबाद के भोलेपुर रेलवे क्रॉसिंग पर बना ओवरब्रिज 7 महीने में क्षतिग्रस्त हो गया। 25.89 करोड़ की लागत से बने पुल की सड़क मूसलाधार बारिश से उखड़ गई और मिट्टी दिखने लगी। पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं और 10,000 यात्रियों की आवागमन प्रभावित हो सकता है। अब शासकीय अधिकारी और PWDJ की जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं। उन्नाव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना सफीपुर के बाबा ढाबा के पास हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रुद्रप्रयाग के जागतोली महोत्सव का रंगारंग समापन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खराब मौसम की वजह से नहीं पहुंच पाए, लेकिन फोन पर जनता को संबोधित कर 5 लाख रुपए देने और कोटखाल जागतोली मार्ग के टेंडर की घोषणा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने महोत्सव की सराहना की। लोक गायक गजेंद्र राणा और अन्यों ने शानदार प्रस्तुतियाँ दी। हापुड़ में SP ज्ञानंजन सिंह ने कानून व्यवस्था सुधारने के लिए कई DSP और थाना प्रभारियों के तबादले किए। DSP वरुण मिश्रा को शियोगढ़ मुक्तेश्वर, जितेंद्र शर्मा को DSP सिटी और स्तुति सिंह को यातायात DSP नियुक्त किया गया है। मिर्जापुर में गंगा घाट पर शवदाह के लिए लगाए गए 500 रुपए शुल्क के विरोध में स्थानीय डोम और धरकार समाज ने अनशन किया। इस पर जिला प्रशासन ने शुल्क वसूली का टेंडर निरस्त कर दिया और नई व्यवस्थाएं बनाए जाने की बात कही है। ये जनपद मिर्जापुर में ग्राम सभा भोगांव में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत सौदागृह का निर्माण हुआ था और संचालन की व्यवस्था जिला पंचायत को दी गई थी। जिला पंचायत का व्यवस्था जब वहाँ संचालित की गई तो उसमें वहाँ पर पूर्व में धरकार जात के लोग जो कार्य करते थे उनके द्वारा विरोध किया गया और धरना प्रदर्शन किया गया है। तो अभी वर्तमान में जिलाधिकारी महोदया के संज्ञान में संपूर्ण बात को लाते हुए उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि इसको तत्काल प्रभाव से आप इसको बंद कर दें। आगामी एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी, उसके हिसाब से इसका संचालन किया जाएगा। फिरोजाबाद में बैंक में खाता खुलवाने जा रहे तो युवकों की मैक्स पिकअप से टक्कर हो गई और हादसे में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और क्षेत्र अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने सराफा व्यापारी से 6 सितंबर को लूट करने वाले 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 50,000 रुपए नगद, 2 मोटरसाइकिलें और एक अवैध तमंचा बरामद हुआ। दोनों आरोपी जहानाबाद कस्बे के निवासी हैं। जहानाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक ज्वेलर्स से लूट की घटना कारित करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को आज जहानाबाद पुलिस एवं SOG की संयुक्त टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 50,000 रुपए नगद, घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल एवं एक अवैध शस्त्र बरामद किया गया है। मिर्जापुर में किन्नरों ने पुलिस की लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उनके गुरु को पीटकर सोने की चेन लूट ली गई और लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गुस्साए किन्नरों ने हाईवे जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मैं आई थी अदलाहाट थाने में 2 दिन, कल रात में मेरे घर पे, मेरे गुरु के घर पे 30-35 लवंडे मुंह बांध बांध के मेरे गुरु के घर में घुसे, उनको मारे पीटे, उनका चैन छीन के ले गए हैं। हम लोग आई हूँ प्रशासन के पास गुहार लगाने। सुबह भी आई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। शाम को भी आई, कोई कार्रवाई नहीं। अभी आई हूँ तो प्रशासन बोला कि तुम लोग ऊपर लाठी चार्ज कर देंगे, तुम लोग चाहे जो भी कर लो, तुम लोग का सुनवाई नहीं होगा। हमारा मीडिया से, हमारा मोदी सरकार से नम्र निवेदन है कि हिजड़ों की भी मदद करो, ठीक है।